हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई एम फहीम, वेलकम टू सिविल जोन एकेडमी। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। काफ़ी शानदार रहने वाला और काफ़ी बेहतर कंटेंट आपको देखने को मिलेगा विद द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। दिस इज़ फॉर द डेली करंट अफेयर वीडियोज सोर्सेज अदर द हिंदू, PIB, ऑल इंडिया रेडियो एंड अदर। दोस्तों आज है 8 जुलाई, देखते हैं क्या क्या न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम, वेदर इट इज़ ए UPSC, PCS, EPFO, SSC, CDS, बैंकिंग एंड रेलवे। चलिए दोस्तों, आज की पहली न्यूज़ है, अभी एक MOU साइंड हुआ है किस किस के बीच में, NMPB और NBPGR। क्या है दोस्तों ये, ठीक है, नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड, ठीक है, NMPB नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड, और किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ द आयुष, ठीक है। और NBPGR क्या दोस्तों, ये ICR बेस्ड है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये किस मिनिस्ट्री में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक साइन एग्रीमेंट हुआ है, क्लियर, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देख लेते हैं क्या है इसका पर्पज। ये कंजर्व करने वाला है मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है। तो इसको कंजर्वेशन की बात कही जा रही है, क्लियर, और फॉर द लॉन्ग टर्म स्टोरेज मॉड्यूल, ठीक है, किसके लिए, लॉन्ग टर्म स्टोरेज मॉड्यूल, और कहाँ पर दोस्तों, नेशनल जीन बैंक, ठीक है, जीन बैंक है, तो यहाँ पर क्या है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज मॉड्यूल के बेस में, ठीक है, तो इसको कंजर्व करने की बात कही जा रही है। और जहाँ पर रीजनल स्टेशन है, तो वहाँ पर मीडियम टर्म स्टोरेज मॉड्यूल के रूप में इसको स्टोर करने की बात कही जा रही है, क्लियर, कंजर्व करने की बात कही जा रही है, ठीक है। तो बाकी फिलहाल में ये क्या करने वाले हैं दोस्तों, दोनों मिलकर ये इंस्टीट्यूशन डेवलप द डिटेल मॉडलिटीज फॉर द सीड स्टोरेज, क्लियर। तो इसके सीड स्टोरेज की डिटेल, ठीक है, डेवलप डिटेल देने वाले हैं, क्लियर। और देख लेते हैं, मेडिकल प्लांट आर रिगार्डेड रिच रिसोर्स, ठीक है। देखिए पहले से जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हमारी है, तो काफ़ी सारी जितनी मेडिसिन पहले बनती थी, तो सब किससे बनती थी, मेडिकल प्लांट से ही बनती थी, ठीक है। तो उसी को फिलहाल में कंजर्व करने की ओर बात कही जा रही है। और देखिए इसका फायदा है कि जो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ये इंटीग्रल पार्ट है दोस्तों किसका, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, क्लियर। तो इसका एक पार्ट है ये। और देख लेते हैं, एक इंस्टीट्यूशन है दोस्तों जिसका नाम है द इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक, ठीक है, ये हैदराबाद में। देखिए यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि काफ़ी एग्जाम में आता है ये कि इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूशन फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक कहाँ पर है, क्लियर। तो ये हैदराबाद में है दोस्तों, और ये क्या है दोस्तों, वर्ल्ड फर्स्ट जीन बैंक है, क्लियर, जो इंटायरली सोलर एनर्जी से चल रही है, क्लियर। तो क्वेश्चन आ सकता है, तो ऐसी कौन सी बैंक है जो इंटायरली सोलर एनर्जी से चल रही है, तो कौन सी जीन बैंक है दोस्तों, यह इंटर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक। और देखिए ये देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और कहाँ पर बेस्ड है, इंडिया में बेस्ड है, हैदराबाद में, क्लियर। तो इसको याद रखिएगा। अब देख लेते हैं इसके बारे में और जान लेते हैं क्या है ये, क्लियर, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। देखिए हमारे इंडिया में ये, ठीक है, तो इसके बारे में इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है, काफ़ी न्यूज़ में रहती है। तो इसका काम क्या दोस्तों, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, विच कंडक्ट द एग्रीकल्चर रिसर्च फॉर द रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर रिसर्च करती है, और हेडक्वार्टर दोस्तों इसका हैदराबाद में है, क्लियर। तो इसके और भी रीजनल सेंटर्स हैं, जैसे माली एक कंट्री है, ठीक है, अफ्रीका कंट्री है, ठीक है, बमाको, और ये केन्या में एक नैरोबी है, क्लियर। तो ठीक है, ये इसके रीजनल सेंटर है, और रिजर्च और इसके कुछ रिसर्च स्टेशन भी है, ठीक है, तो नाइजर में, क्लियर, कानो में, ठीक है, नाइजेरिया में, मलवाई में, ठीक है, एडिस अब्बास इथोपिया में, तो यहाँ पे इसके रीजनल सेंटर है। अब देख लेते हैं कि ये फाउंड कब हुई थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 1972 में फाउंड हुई थी, क्लियर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि ये कि इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कब फाउंड हुई थी, क्लियर। तो याद रखना 1972 में, और इसको जो चार्टर साइन किया गया दोस्तों, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसको पढ़ेंगे अभी, और UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्लियर। तो इनके द्वारा इसका चार्ट साइन किया गया, क्लियर। इट इज मैनेज बाय द, देखिए इसमें फुल डायरेक्टर जनरल भी मैनेज करते हैं, ठीक है, इसमें एक डायरेक्टर जनरल होते हैं जो फुल मेंबर बॉडी है, और किसके गाइडेंस में करते हैं, इंटरनेशनल गवर्निंग बोर्ड, ठीक है। तो क्या नाम है इनका, डायरेक्टर जनरल कौन है करंट में फिलहाल में, डॉक्टर जैकलीन डी एरोज ह्यूजेस, क्लियर। तो इसके इस ऑर्गेनाइजेशन के ये डायरेक्टर जनरल हैं, क्लियर। और जो चेयर कौन कर रहे हैं इस बोर्ड को दोस्तों, जो इंटरनेशनल गवर्निंग बोर्ड है, इसको चेयर कर रहे हैं डॉक्टर पैको सेरेमी, क्लियर।
चलिए फाओ के बारे में पढ़ लेते हैं, काफी न्यूज में रहता है और इससे काफी एग्जाम में आता है, क्लियर। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है। तो दोस्तों यूनाइटेड वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसका इफर्ट क्या है, क्या पर्पज है, डिफीट द हंगर, हंगर को खत्म करना, इंप्रूव न्यूट्रिशन वैल्यू, न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाना और फूड सिक्योरिटी को इंक्रीज करना, तो इसका काम है, क्लियर, पर्पज है इसका। और इसका मोटो देख ले, ध्यान देख लीजिए क्या है इसका, लेट देयर बी ब्रेड, क्लियर। तो इसका मोटो है ये, और ये फाउंड कब होती है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि कब फाउंड होती है फाओ, 1945 में फाउंड होती है। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहां पर है, रोम इटली में, क्लियर, ठीक है, इटली में इसका हेडक्वार्टर है। अभी फिलहाल में कितनी कंट्रीज में ऑपरेट है ये दोस्तों, 130 कंट्रीज में ऑपरेट है, क्लियर। इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है कहां से निकल के आया है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, देखिए यहां से इस काउंसिल से ये इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है फाओ की, क्लियर। इसके डायरेक्टर जनरल देखिए फिलहाल में कौन है, क्यू डोंगयू, ये देखिए इनकी पिक्चर है, क्यू डोंगयू चाइना से बिलोंग करते हैं, तो इसके डायरेक्टर जनरल हैं। अभी एक मिनिस्ट्रियल मीट हुई है क्लाइमेट एक्शन पर, देखते हैं क्या 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 मीट हुई है। अभी वर्चुअल मीट हुई है दोस्तों, कंट्रीज एक्सचेंजिंग व्यूज, ठीक है, आपस में इन्होंने व्यूज एक्सचेंज किए हैं, किसके लिए, रिकवरी प्लान विद द पेरिस एग्रीमेंट। देखिए पेरिस एग्रीमेंट काफी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, ठीक है, काफी न्यूज में आता है कि कब कौन से, ठीक है, कब लॉन्च हुआ था ये पेरिस एग्रीमेंट, क्लियर। तो इसके लिए अभी कैसे इसको बढ़ाया जाए पेरिस एग्रीमेंट को, ठीक है, क्या वर्क करना चाहिए, तो इसके लिए एक मीटिंग हुई है और इसको को चेयर्ड किया है यूरोपियन यूनियन, चाइना और कनाडा, इन तीन कंट्री ने इसको को चेयर्ड किया, क्लियर। और बाकी डिस्कशन किसका हुआ है, किस तरीके से पूरी तरह पेरिस एग्रीमेंट को, ठीक है, इंप्लीमेंट किया जाए, तो इस पर डिस्कशन किया गया। और आपको देखिए पेरिस एग्रीमेंट पूछा जाता है किसके अंडर में, तो UNFCCC, इसको इसके बारे में भी जानेंगे क्या ये, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो इसके अंडर में क्या है, पेरिस एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, क्लियर। तो अब देख ले इंडिया ने क्या कमिटमेंट किया, इंडिया क्या इफर्ट रहा है, तो अभी ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या ये कुछ फैक्ट हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन उठ जाता है। तो अभी क्या इंडिया ने अचीव किया है, रिडक्शन ऑफ द 21% एमिशन इंटेंसिटी ऑफ द GDP, क्लियर। तो 20% क्या है, रिड्यूस किया एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP कब से दोस्तों, 2005 से 2014 तक का, क्लियर। और बाकी रिन्यूएबल एनर्जी में कितना काम किया है, कि इंक्रीज हुआ है 226% लास्ट 5 ईयर्स है, ठीक है, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, 226%, याद रखना। और जो नॉन फॉसिल सोर्स से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है दोस्तों, ये भी इंक्रीज हुई है, ठीक है, जैसे तो ये इंक्रीज हुई है, जो 2015 में थी 30.5% थी, अब हो गई है 37.7%, क्लियर। तो इसमें इंक्रीज हुआ है ग्रीन एनर्जी में। अब देख लेते हैं इंडियाज टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर, देखिए कितना हुआ है, लगभग 24.56%, ठीक है, ये ट्री कवर हुआ है, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। अब देखिए ये देखिए एग्जाम में काफी क्वेश्चन आता है कि इंडिया का कितना फॉरेस्ट कवर है, क्लियर। तो इंडिया का जो फॉरेस्ट और ट्री कवर है दोनों, ये देखिए दो चीज है, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, देखिए ठीक है, तो ध्यान रखना फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है, 24.56%। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इंडिया का टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है, ठीक है, फॉरेस्ट कवर, ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो फॉरेस्ट कवर अलग है दोस्तों, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर अलग है, क्लियर। तो यहां से कंफ्यूजन हो जाता है क्वेश्चन में, तो जो फॉरेस्ट और ट्री कवर है दोस्तों ध्यान रखना 24.56%, ठीक है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये। और जो फॉरेस्ट कवर है ये आप लोग बताइए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्या हमारा कंट्री का फॉरेस्ट कवर कितना है, कितने परसेंट है, क्लियर। तो ठीक है, तो इसको ध्यान रखना फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 24.56% है। चलिए देख लेते हैं बाकी, और बोला गया है कि इंडिया ने जो अभी ठीक है चेंज किया है, BS4 से BS6 में शिफ्ट किया गया। देखिए अभी काफी सारी कार अब खरीद रहे होंगे आप, ठीक है, कार वगैरह जो व्हीकल्स हैं अब जो आपको मिलेगी BS6 स्टैंडर्ड की मिलेगी, क्लियर। तो अब देखिए 5 को स्किप किया है, क्लियर, ध्यान रखना 4 से सीधा किस में गए, BS4 से BS6 में गए, तो 5 को स्किप किया है। बाकी जो टारगेट था BS6 का इंटरनेशनल लेवल में पहुंचने का था 2024 में, मगर इंडिया ने पहले इसको अडेप्ट कर लिया, ठीक है, ध्यान रखना कब को आया, 1 अप्रैल 2020 में, ठीक है, 4 साल पहले ही BS6 में अडेप्शन हो गया, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा 4 से 6 में गया है, अभी सब जो है BS6 के आपको ठीक है व्हीकल्स मिलेंगी, क्लियर। अब देख लेते हैं कि हाँ, दूसरा कोल सेस के बारे में बता रहे हैं कि कोल सेस हमारे यहाँ पर इंडिया में कितना लगता है। देखिए कोल सेस क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स, सेस क्या होता है दोस्तों, टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है, टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगता है उसको बोलते हैं सेस, तो ये एक तरीके ये भी टैक्स ही है, क्लियर। तो कितना है दोस्तों,
₹400 पर टन, क्लियर। तो इसका टैक्स है अभी फिलहाल में ये, ठीक है, अभी फिलहाल में क्या ये जीएसटी के अंदर में आ गया, ध्यान रखना, ठीक है। कोल, ये जो कोल से ऐसे किसके अंदर में आ गया, अब जीएसटी के अंदर में आ गया, क्लियर, यहां से ले जाना। अब देखिए देखिए यहां से एग्जाम में देखिए कोई से भी स्टेट का एग्जाम हुआ, एसएससी, पीसीएस, यूपीएससी, यहां से देखिए जो जो इन्वायरमेंट वाले, ठीक है, टॉपिक्स हैं, यहां से काफी क्वेश्चन उठते हैं, यूएनएफसीसी से काफी क्वेश्चन आते हैं, तो इसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं यूएनएफसीसी क्या है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटी है, ठीक है। तो कौन सी ट्रीटी है, इन्वायरमेंटल ट्रीटी है। देखिए अडॉप्ट कब की गई थी, ध्यान रखना, 9 मई 1992 को, ठीक है, 9 मई 1992 को अडॉप्ट की गई थी, क्लियर। और सिग्नेचर के लिए ओपन कब हुई थी दोस्तों, 3 से 14 जून 1992 में, कहां पर, अर्थ समिट, कहां पर हुई थी अर्थ समिट, री डी जिनारियो, ठीक है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि अर्थ समिट कब हुई थी, अर्थ समिट हुई थी 1992 में, ध्यान रखना, और कहां पर हुई थी, रियो डी जिनारियो, क्लियर। तो यहां पर अर्थ समिट होते यहां तो, ठीक है, इसके लिए ओपन ओपन कर देना साइन के लिए। और जो यूएनएफसीसी दोस्तों अडॉप्ट की गई थी, ध्यान रखना, 9 मई 1992 को की गई थी। और जो यूएनएफसीसी जो फोर्स में आई थी, देखिए, ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, एडॉप्शन और फोर्स, यहां पर कंफ्यूज मत हो जाना, एडॉप्ट एंड फोर्स, क्लियर, इसके अलग कुछ, ठीक है, तो ये इसमें कंफ्यूज मत हो, एडॉप्ट जो हुई थी पहले हुई थी, ठीक है, 9 मई 1992 को, और जो फोर्स में आई थी वो 21 मार्च 1994 में, ठीक है। तो पहले अडॉप्शन होता है और फिर क्या होता है दोस्तों, फोर्स में आती है वो, ठीक है, ध्यान रखना। तो देखिए ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें डायरेक्ट डेट भी पूछ लेते हैं, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो पूरी डेट के साथ याद रखना होता है हमें, ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन को। तो 21 मार्च ध्यान रखना, 21 मार्च 1994 को, ठीक है, फोर्स में आई थी और अडॉप्ट हुई थी 9 मई 1992 को, क्लियर। अब देख लेते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या पर्पज है इसका। ये दोस्तों ग्रीन हाउस गैस को रिडक्शन के लिए बनाई गई है, ठीक है, किसके लिए, डायरेक्ट पूछ लेता है जो यूएनएफसीसी का, किसके लिए होता है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज सिस्टम के लिए और ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए, ठीक है। जैसे हम जैसे मिथेन हो गई, CO2 हो गई, सब ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इसको कैसे कम किया जाए, ठीक है। तो इसका मेन मेन पर्पज है, मोटिव है। और बाकी देखिए देखिए दोस्तों, जो पार्टी इसका कन्वेंशन जो एनुअली मिलती थी, ये 1995 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, किसके रूप में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, COP, बहुत न्यूज में सुना होगा COP, है ना, कि COP क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये 1995 से स्टार्ट हुई थी, किसके लिए, ये क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए, क्लियर। तो COP, ठीक है, तो आपने सुना होगा COP, COP 1, COP 2, COP 31, COP 21, क्लियर। तो काफी सारी है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बोलते हैं, क्लियर। अब देख लीजिए एक देखिए, या ये भी एग्जाम में बहुत आता है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। क्योटो प्रोटोकॉल दोस्तों 1997 में आई थी, ठीक है, और ध्यान रखना ये लीगली बाइंडिंग है, क्लियर, लीगली बाइंडिंग है फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज, क्लियर। और इसका काम क्या है दोस्तों, इसका भी वर्क क्या है, ग्रीन हाउस गैस को कम करना, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना। तो देखिए डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल का क्या काम है, इसका भी ऑब्जेक्टिव है ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करना, ठीक है। ये फोर्स ये कब आई थी, 1997 में आई थी, क्लियर। देखिए 11 दिसंबर 1997, देखिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम डेट समेत इसको याद, ठीक है, इसको याद रखना आपको, ठीक है। डायरेक्ट डेट पूछ लेते हैं, आजकल एग्जाम में ऐसा पूछा जा रहा है, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है काफी न्यूज में रहती है, ठीक है, तो उसकी डायरेक्ट डेट भी पूछ लेते हैं। तो 11 दिसंबर 1997 में ये, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया था। देखिए क्योटो क्या, जापान में एक जगह है, ठीक है, तो वहां पर ये अडॉप्ट किया था, इसका नाम रखा गया क्योटो प्रोटोकॉल, क्लियर। तो 11 दिसंबर 1997 में, और जो फोर्स में आई है दोस्तों ये 16 फरवरी 2005, ठीक है, ध्यान रखना बिल्कुल कि जो, ठीक है, अडॉप्ट हुई थी 11 दिसंबर 1997, फोर्स में आई है 16 फरवरी 2005, क्लियर। अब देख लेते हैं एक वर्ड और आता काफी सुना होगा आपने, जिसमें पेरिस एग्रीमेंट क्या है, ठीक है। तो पेरिस एग्रीमेंट दोस्तों ध्यान रखना 2015 में, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, क्लियर। अब ये बताइए कि एक आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, कि जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ दोस्तों कौन से COP के थ्रू हुआ था, COP 1, 2, 3 इस तरीके से होता है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कौन से नंबर के थी, ठीक है। तो काफी एग्जाम में आता है कि जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था कौन सी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के, ठीक है, क्या नंबर था उसका, तो आप बताइए कौन सा नंबर है, ठीक है। तो पेरिस एग्रीमेंट तो, क्लियर, तो इसका दोस्तों अडॉप्ट किया गया था, इसका पर्पज क्या था, कि वही ग्रीन थे क्लाइमेट चेंज के लिए, और थ्रू द नेशनल
डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के थ्रू, ठीक है, ये कमिटमेंट है हर कंट्री का अपना अपना। और इसका टारगेट था दोस्तों लोअरिंग द टारगेट, ठीक है, जो टेम्परेचर था कितना था 1.5 डिग्री से कम करना, 1.5 डिग्री से इसका टेम्परेचर, तो टारगेट ध्यान रखना पेरिस एग्रीमेंट का लेस देन, ठीक है, 1.5 डिग्री से कम, क्लियर, इसको टेम्परेचर को लोअर करना। जो पेरिस एग्रीमेंट दोस्तों फोर्स में कब आया था, 4 नवंबर 2016, ठीक है, ये इतनी चीज कि डिटेल में क्यों पढ़ा दोस्तों, डायरेक्ट इसकी डेट पूछ लेते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ से कोई ना कोई एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिलते ही है इसमें, ठीक है, तो अर्थ सबमिट कब हुई थी, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, क्लियर, UNFCCC कब अडॉप्ट किया गया था, कब फोर्स में आया था, UNFCCC का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस के लिए, क्लियर, क्योटो प्रोटोकॉल काफी आपने सुना होगा, ठीक है, कब अडॉप्ट हुई, ठीक है, और कब इसे फोर्स में आई, तो डायरेक्ट इसके क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। पेरिस एग्रीमेंट कब आया, क्लियर, 2015 में आया, तो कौन से कॉन्फ्रेंस के थ्रू आया, ठीक है, तो ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, क्लियर, इसका नंबर बताना है आपको। अब देख लेते हैं एक न्यूज में, नमामि, ये अभी एक वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है, अभी एक लोन प्रोवाइड किया 400 मिलियन का, किसके लिए दोस्तों, नमामि गंगे प्रोग्राम, इसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, तो दोनों में एग्रीमेंट हुआ है टू रिज्यूमिनेट गंगा रिवर को, क्लियर, और बाकी इसमें दोस्तों जो लोन है 381 मिलियन का, बाकी इसमें जो है गारंटी है 90 मिलियन की है, क्लियर, बाकी जो वर्ल्ड बैंक जो है दोस्तों कब से हेल्प कर रहा है, कब से ऐड कर रहा है, ये 2011 से जब से ये प्रोग्राम बना है, ठीक है, तब से वर्ल्ड बैंक इसमें इन्वेस्टमेंट का इसमें, ठीक है, लोन दे रहा है, और कब स्टार्ट हुआ दोस्तों ये, ठीक है, नमामि गंगे ये प्रोग्राम जो था 2011 से चल रहा है, ठीक है, नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट के नाम से, ठीक है, 2011 में ये बनाया गया था, और इसको जो सेटअप किया गया था इसने किसके द्वारा था, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, क्लियर, तो 2011 में स्टार्ट हो गया था। अब देख लेते हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है क्या, क्लियर, तो देख लीजिए ये दोस्तों 2011 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर ये बनाया गया था प्रोजेक्ट, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंटेशन कौन करी थी, एक बॉडी बनाई गई थी जिसका नाम था नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, क्लियर, और किसके अंडर में थी, ये थी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। देखिए डायरेक्ट ये यहाँ से क्वेश्चन हो जाता है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, कब आया था, तो 1986 में आया था, इसके अंडर में, ठीक है, ये बॉडी बनाई गई थी नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी उसके बाद में दोस्तों ये बॉडी को डिसॉल्व कर दिया गया था, इस बॉडी को जो थी नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, इसको डिसॉल्व कर दिया गया था, कब किया था, 7 अक्टूबर 2016 में, तो एक नई काउंसिल बनाई थी इसकी जगह, कि क्या नाम था इसका, नेशनल काउंसिल फॉर रिजुविनेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ दिल्ली रिवर गंगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 2016 में इसको चेंज करके अथॉरिटी को काउंसिल बना दी गई थी, ठीक है, काउंसिल बनाया 2016 में, फिर देखिए दोस्तों 2019 में और चेंज किया गया, फिर इस काउंसिल को फिर इस बाद में फिर अथॉरिटी में कन्वर्ट कर दिया। अब जो फिलहाल में है दोस्तों रिवर गंगा रिजुविनेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के नाम से है, क्लियर, ध्यान रखिएगा 2019 ऑर्डर, और किसके अंडर में है, क्योंकि अभी फिलहाल में नई मिनिस्ट्री बनाई है, मिनिस्ट्री ऑफ द जल शक्ति, क्लियर, तो इसके अंडर में इस प्रोजेक्ट का नाम रख दिया है, ठीक है, तो पहले ध्यान रखिएगा 2000, ठीक है, पहले अथॉरिटी थी, ठीक है, रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी थी, उसके बाद में काउंसिल बनाई गई 2016 में, फिर 2019 में, ठीक है, फिर इसमें दोस्तों बनाया गया, फिर दोबारा अथॉरिटी बनाएंगे जिसका नाम दिया गया था रिवर गंगा रिजुविनेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटीज, क्लियर, और जो अब ध्यान रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर में आती है, क्लियर। चलिए अभी एक डेटा सेंटर बनाया जा रहा है दोस्तों टायर फोर का, ठीक है, डेटा सेंटर बनाया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि ये इंडिया का और, ठीक है, इंडिया और एशिया का सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है, और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है, तो टायर फोर ध्यान रखना डिजाइन डेटा सेंटर, ये कहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों, ये महाराष्ट्र में, क्लियर, ध्यान रखिएगा, और इसका एक नाम हो रहा है योतो एनएम वन, क्लियर, देखिए इस तरीके से आ जाता है कि ये क्या चीज है, ठीक है, योता एनएम वन क्या चीज है, तो ठीक है, तो ये डेटा सेंटर बनाया जा रहा है, ठीक है, कहाँ पर है, मुंबई में, ठीक है, नवी मुंबई, और कौन सा रीजन है, पनवेल रीजन, क्लियर, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बनाया जा रहा है। बाकी अभी फिलहाल में 5 बनाने की बात की जा रही है कि 5 बनेंगे, 5 डेटा सेंटर बनेंगे, जिसमें से अभी पहला है ये, ठीक है, कौन सा है, NM1, ठीक है, 5 बिल्डिंग बननी है, अभी उसकी पहली बिल्डिंग बनाई जा रही है, क्लियर, योता NM1, ठीक है, और ये फर्स्ट बिल्डिंग है, ठीक है, 5 बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिसकी कैपेसिटी कितनी होने वाली है, 30,000 रैक्स और 210 मेगावाट पावर, क्लियर। चलिए अगला देख लेते हैं, अभी इन जेति श्रीनिवास न्यूज में अभी इनको अपॉइंट किया गया दोस्तों फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द IFSCA, ठीक है, IFSCA क्या, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, क्लियर,
तो देख लीजिए इनके ये पहले चेयरमैन है। तो देखिए फर्स्ट चेयरमैन तो न्यूज में है, तो ठीक है एग्जाम में आने के चांस रहते हैं। तो पहले चेयरमैन है इसके इंजेती श्रीनिवास, क्लियर। मुझे तीन साल के लिए बनाए जाने, ये देखिए ये इनकी पिक्चर है, इंजेती श्रीनिवास जी हैं ये। बाकी देख लेते हैं कि आखिर है कि ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल, देखिए इंटरनेशनल लेवल का, ठीक है, तो काफ़ी इंपोर्टेंट बन जाता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, इसके बारे में जान लेते हैं क्या ये। दोस्तों ये बिल आया था ये 12 दिसंबर, ये बिल जो पास हुआ था 12 दिसंबर 2019 को पास हुआ था इस बॉडी को बनाने के लिए, ठीक है। ये बिल पास हुआ था पार्लियामेंट में 12 दिसंबर 2019 को। उसके बाद में जो बॉडी इस्टेब्लिश हुई है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा 27 अप्रैल 2020 में इसको इस्टेब्लिश कर दिया गया, क्लियर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी को, क्लियर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर जो बनाने की बात कही जा रही है वो जो गुजरात की एक सिटी है गांधीनगर, ठीक है, तो वहाँ पे इसके सेंटर बनाने की बात कही जा रही है। बाकी इसके जो बॉडी कंसिस्ट करेगी दोस्तों, इसमें एक चेयरमैन रहेंगे और एक मेंबर जो रेगुलेटरी बॉडी अभी फिलहाल में, जैसे सेबी हो गया, नाम सुना होगा आरबीआई, और इंश्योरेंस की बॉडी हो गई, क्लियर, ये रेगुलेटरी बॉडी है। तो यहाँ से एक मेंबर अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है, और नॉमिनेट किए जाएंगे। दूसरा दो मेंबर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के भी रहेंगे, क्लियर। तो इसकी ये बॉडी कंस्टिट्यूट की जा रही है इतने मेंबर से। चलिए अभी न्यूज में एक संस्कृत विद्यालय बनाया जा रहा है दोस्तों नेपाल में, इंडिया के द्वारा, ठीक है, इंडिया के द्वारा नेपाल में एक संस्कृत विद्यालय बनाया जा रहा है, देख ले कहां पर यह दोस्तों, नेपाल के प्रोविंस नंबर 1 है इलम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो यहां पर अभी इनोग्रेट किया गया, ठीक है, श्रोता वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा। और ध्यान रखिएगा इसका नाम क्या है दोस्तों, श्री सतमय गुरुकुल संस्कृत विद्यालय, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम में आ जाते हैं ये कि श्री सतमय गुरुकुल संस्कृत विद्यालय कहां पर है, है ना, तो ये नेपाल में जो इंडिया के द्वारा बनाया जा रहा है। और ये कंस्ट्रक्ट किसके अंडर में हो रहा है दोस्तों, एक प्रोजेक्ट है नेपाल भारत मैत्री प्रोजेक्ट, ठीक है, तो इसके अंडर में बनाया जा रहा है। और इसका जो ठीक है कॉस्ट है 31.1 मिलियन नेपाली रुपी में, ठीक है, ठीक है। और इससे पहले दोस्तों और भी प्रोजेक्ट है, नेपाल भारती मैत्री प्रोजेक्ट के अंडर में एक MOU साइन हुआ था जो 16 जून 2020 में हुआ था। क्या MOU साइन हुआ था, ये हुआ था दोस्तों इंडिया प्रोवाइड कराने वाला है सैनिटेशन फैसिलिटी कहाँ पर, पशुनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, पशुपतिनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, याद रखिएगा पशुपतिनाथ टेम्पल ये कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, नेपाल में, क्लियर। तो इस तरीके से ठीक है न्यूज़ में तो एग्जाम में आ जाता है। तो इसके लिए अभी सैनिटेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की बात कही जा रही है, ठीक है, जो दोस्तों याद रखना नेपाल के काठमांडू में है, क्लियर, सिटी में है। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 2.33 करोड़ है, क्लियर, 2.33 करोड़ है। अब देख लेते हैं कहाँ पर है नेपाल। अब ये देखिए हमारा इंडिया हो गया, ठीक है, ये हमारा इंडिया हो गया, बाकी यहाँ पे ये नेपाल हो गया, क्लियर, यहाँ पे नेपाल हो गया, बांग्लादेश, म्यांमार, तो देखिए यहाँ पर बनाने की बात कही जा रही है। चलिए कुछ ठीक है वन लाइनर कुछ छोटी मोटी ये न्यूज़ है, इसमें देखिए अभी रैंक मिली है इंडिया को 34, किसमें मिली है, ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, क्लियर। तो अभी ध्यान रखिएगा 34 रैंक मिली है इसको इंडिया को, और इम्प्रूव किया है 2014 में तो दोस्तों इसके 39 प्लेस पर था, ठीक है, ध्यान रखिएगा ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, ठीक है, इसमें रैंक दी गई है। और बाकी जो फर्स्ट पोजिशन मिली है वो मिली है यूनाइटेड किंगडम को, यूके को, क्लियर, फर्स्ट पोजिशन मिली है। बाकी इसराइल ने अभी दोस्तों एक लॉन्च किया गया है, इंटरनेशनल सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है OFAC-16। तो ध्यान रखिएगा डायरेक्ट आ जाता है कि OFAC-16 क्या है, तो एक इंटेलिजेंस सैटेलाइट है और इसराइल ने लॉन्च किया है, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में। तो देख लेते कौन से नंबर का, ये 12th नंबर का सैटेलाइट है, क्लियर, और कौन से रॉकेट के थ्रू किया है, रॉकेट सेवियर 2, क्लियर, इनका रॉकेट है, यहाँ से इन्होंने लॉन्च किया है। और इससे पहले दोस्तों OFAC-11 था, जैसे अभी OFAC-16 है, OFAC-11 इससे पहले OFAC-11 था, और कब लॉन्च हुआ था ये, सितंबर 2016 में हुआ था। इसका मेन फंक्शन क्या है दोस्तों, ये इंटेलिजेंस सैटेलाइट है, तो इसका मेन फंक्शन है मॉनिटरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द ईरान आर्म फोर्स, ठीक है, ईरान आर्म फोर्स काफ़ी न्यूज़ में थी, तो इसको मॉनिटर करेगा, उसके प्रोग्राम को मॉनिटर करेगा, क्लियर। तो अभी देखिए एक पोर्टल लॉन्च हुआ है, एग्जाम में आया था, ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन कुछ होते हैं कि महा जो पोर्टल किसने लॉन्च किया, कहाँ लॉन्च हुआ, ठीक है, तो लॉन्च हुआ दोस्तों महाराष्ट्र में, ठीक है। इसका एम क्या है कि अभी आपने देखा COVID-19 से बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, तो उसका राइज करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया महाराष्ट्र में, ठीक है। एक अभी न्यूज़ में देखिए इस तरीके से ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क आ जाते हैं जो न्यूज़ में रहते हैं, क्लियर, ऐसे तो बहुत सारे हैं, तो न्यूज़ में जो रहते हैं दोस्तों इसको हमें पढ़ना होता है।
कि दिहिंग पतकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी इसे क्या बनाया जा रहा है, अभी नेशनल पार्क बनाया जा रहा है। क्लियर? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से नेशनल पार्क बनाया जा रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो है दिहिंग पतकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अब देख लेते कहां पर है। क्लियर? तो ये दोस्तों असम में, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो कहां पर है ये दिहिंग पतकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? असम में। तो असम गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड किया कि इसको अपग्रेड किया जाना चाहिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से नेशनल पार्क में। क्लियर? और इससे पहले दोस्तों ये प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंडर में काम कर चुका है, ठीक है, एलिफेंट रिजर्व के रूप में। क्लियर? कब? 1992 में जो प्रोजेक्ट आया था। तो ध्यान रखिएगा एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया था, एलिफेंट प्रोजेक्ट आया दोस्तों 1992 में। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा उसके, ठीक है, वहां पे इसने एलिफेंट रिजर्व के रूप में भी काम किया है, ठीक है। और बाकी देख लेते हैं, इसको 2004 में दोस्तों ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना था, ठीक है, 2004 में। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा। थैंक यू एवरीवन, इसके सेफ एंड हेल्दी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में, ठीक है, लिंक दी होगी, वहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, यहाँ से फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब का बटन है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।